दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अब कोरोना की लड़ाई में एनएसए अजीत डोवाल भी कूद गए हैं। बीते दिनों निजामुद्दीन के पास मौजूद मरकज को भीड़ से खाली कराना काफी मुश्किल भरा रहा। वहां मौजूद लोग इस बात पर अड़े थे कि किसी भी कीमत पर वो मरकज को खाली नहीं करेंगे, लेकिन इस दौरान वहां आधी रात को अजीत डोवाल पहुंच गए। डोवाल गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर पहुंचे थे और जमात से मस्जिद खाली कराया। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह के आग्रह पर डोवाल 28-29 मार्च की दरमियानी रात 2 बजे मरकज पहुंचे। गृह मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि डोवाल ने मौलाना साद को समझाया और वहां मौजूद लोगों का कोविड-19 टेस्ट कराने को कहा, साथ ही लोगों को क्वारंटीन में रखने की बात भी कही। शाह और डोवाल को स्थिति की गंभीरता का पता था क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने करीम नगर में इंडोनेशिया के 9 कोरोना पीड़ित लोगों की पहचान कर चुकी थी। सुरक्षा एजेंसियों ने मरकज में कोरोना संक्रमण का संदेश अगले ही दिन सभी राज्यों को और पुलिस को भेज दिया था। एनएसए डोवाल के समझाने के बाद मरकज 27, 28 और 29 मार्च को 167 तबलीगी वर्कर्स को अस्पताल में भर्ती कराने पर सहमत हुआ। डोवाल के हस्तक्षेप के बाद ही जमात नेता मस्जिद की सफाई को राजी हुए। बताया जा रहा है कि डोवाल ने मुसलमानों के साथ अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल कर इस काम को अंजाम दिया। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब डोवाल किसी आपसी मतभेद को सुलझाने पहुंचे हो। कश्मीर में भी जब हालात खराब थे उस दौरान डोवाल वहां पहुंच स्थानीय लोगों से बात की और स्थिति के बारे में समझाया। इसके अलावा दिल्ली हिंसा को भी शांत कराने में डोभाल का हाथ था और एक बार फिर एनएसए ने अपने सूझबूझ से मस्जिद के मौलानाओं को मरकज से निकाला। बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद, डॉक्टर जिशान, मुफ्ती शहजाद, एम सैफी, यूनिस और मोहम्मद सलमान के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।